सबसे बड़ा सिद्धांत की बात है। जवाबदेही का अर्थ है एक चुनाव में आओ तो वायदा करके वोट मांगो और दूसरे चुनाव में आओ तो वायदों का हिसाब देकर वोट मांगो। 1999 में हम आपके सामने आए, हमने कुछ वायदे किए थे आपसे, आज हम वायदों का हिसाब देने का समय है। केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ, इसलिए आज आपकी अदालत में वो हिसाब किताब देने आई अपनी सरकार का बही खाता साथ में। और जब वो बही खाता खोल कर बात पढ़ती हूँ तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता, एक आत्मसंतोष का भाव मन में उपजता। याद कीजिए 1999 में हमने पहला वादा आपसे किया था, हम आपको सरकार पूरा समय चलाकर दिखाएंगे, क्योंकि 1999 में कांग्रेस ने राजनीतिक स्थिरता को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और वो मुद्दा बहुत अहम इसलिए बन गया था कि 99 से पहले चार सरकारें एक के बाद एक गिर गई। पहले अटल जी की सरकार 13 दिन चलकर गिर गई, देवेगौड़ा जी की सरकार एक बार चलकर गिर गई, इंद्र कुमार गुजरात की सरकार सवा बार चलकर गिर गई और उसके बाद 1998 में फिर अटल जी की सरकार 1.5 साल चलकर गिर गई। चार सरकारें गिर जाए तो राजनीतिक स्थिरता बहुत बड़ा मुद्दा बनना स्वाभाविक था और राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दल की सरकार को स्थायित्व दे सकती है, गठबंधन की सरकार बनेगी तो सही मगर चलेगी, इसलिए यह मुद्दा हमारे लिए चुनौती बन गया। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया क्योंकि गठबंधन की सरकार चलाना आसान नहीं होता, वो उसी तरह जैसे एक परिवार जिसमें भांत भांत की बहुएं आई हैं, अलग अलग स्वभाव वाली, अलग अलग संस्कार वाली, अलग अलग पृष्ठभूमि वाली, तो परिवार के मुखिया के सामने चुनौती होती, लेकिन अगर परिवार के मुखिया में उदारता है, धीरज है, कौशल है तो सबको साथ लेकर अपने परिवार को चलाए रख सकता है। राज मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि अटल जी ने इन तीनों गुणों का भरपूर प्रदर्शन किया और बनेगी तो सही मगर चलेंगी विप्रो सरकार चली। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि सरकार का चलना महत्वपूर्ण जरूर होता है, अच्छा चलना ज्यादा महत्वपूर्ण। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार चली और अच्छी चली, विकास के मार्ग पर चली, प्रगति की राह पर चली, एक लंबी सूची उपलब्धियों की मेरे पास है। चुनाव में इतना समय नहीं होता कि घंटों में उपलब्धियों का बखान नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं चंद ऐसी उपलब्धियों की झलक आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जो अनोखी पहल के रूप में जानी जा सके, जो अनोखे रिकॉर्ड के रूप में जानी जा सके। मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज से पहले भी तो दिल्ली के तट पर कई प्रधानमंत्री गए थे, कई शासक दल आए मगर किसी ने दिल्ली में बैठकर गांव की सड़क की सुध नहीं की थी। ये वाहिद पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने एक दिन हम सबको बुलाकर कहा अगर ग्राम विकास का सपना देखते हो तो पहले गांव को सड़क से जोड़ो। उन्होंने कहा कि जब गांव में सड़क बनती है तो गांव विकास की पहली सीढ़ी चढ़ता है और ये सही है। जब गांव में सड़क बनती है तो केवल कार्बन का काला रास्ता नहीं बनता, केवल कंक्रीट और बजरी का मार्ग नहीं बनता, जब गांव में सड़क बनती है तो उसका अर्थ होता है उस गांव में रहने वाला किसान अपने खेत में उगाई गई फसल को सड़क के रास्ते मंडी में ले जाकर बेच सकता है और बेहतर दाम प्राप्त कर सकता है। जब गांव में सड़क बनती है तो उसका अर्थ होता है उस गांव का बच्चा स्कूल की पढ़ाई समाप्त करके घर नहीं बैठता बल्कि सड़क के रास्ते शहर के कॉलेज में जाकर आगे की पढ़ाई पढ़ सकता है। और जब गांव में सड़क बनती है तो उसका अर्थ होता है कि उस गांव की कोई महिला बीमारी के कारण से पैर पकड़
जानते हैं 5,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की योजना है ये, यानी 25,000 करोड़ रुपया लगाकर गांव गांव में सड़क बन रही है और पूरे हिंदुस्तान के गांवों को सड़क से जोड़ देने का सपना इस योजना के तहत संभव है। केवल गांव की सड़क नहीं, सड़कों की दूसरी योजना बनाई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यहाँ शायद सभा में कुछ इतिहास के विद्यार्थी खड़े हैं, आपको मालूम है कि भारत के इतिहास में केवल एक शासक का नाम सड़क बनाने की विद्या है, जिसका नाम है शेरशाह। कलकत्ता से पेशावर तक सड़क बनाई थी उसने और हिंदुस्तान का व्यापार सौगना हो गया। लेकिन जब हमें सरकार विरासत में मिली तो 50 वर्ष का कांग्रेस का रिकॉर्ड था, 4 लेन की सड़क 536 किलोमीटर बनाने का। 536 किलोमीटर सड़क हमें विरासत में मिली थी कांग्रेस शासन में, 4 लेन 4 लेन। अटल जी ने कहा कि हिंदुस्तान का व्यापार बढ़ाना है, उद्योग बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है तो पूरे हिंदुस्तान को सड़कों से जोड़ना है, कॉरिडोर बनाने, 4 लेन की नहीं 6 लेन की सड़कें बनाने होंगी। और आप जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नीचे क्या लक्ष्य रखा गया? 50 वर्षों में 536 किलोमीटर और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 14,846 किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान में सड़क बनाने का सपना है। 7,000 करोड़ रुपए की ये योजना हिंदुस्तान को सड़कों से जोड़ रही है। टेलीफोन 50 वर्षों में हमें विरासत में मिले 3,86,00,000 टेलीफोन कनेक्शन। आजादी के बाद 3,86,00,000 टेलीफोन कनेक्शन वितरित हुए थे और हमें 4 वर्षों में 4,14,00,000 टेलीफोन कनेक्शन अतिरिक्त हुए। घरों में टेलीफोन नहीं होता था लोगों के, आज जेबों में टेलीफोन, पीछे से टेलीफोन पर बात। मुझे याद आता है हम लोग जब जनसभा में जाते थे लोगों को पता नहीं होता था वक्ता कहाँ है, अरे कहते थे पोजीशन ले लो तो पोजीशन मिलती नहीं थी, लैंडलाइन से फोन लगता ही नहीं था, हम कार में बैठे को कैसे बताए हम कहाँ है। तो मंच संचालक को हिदायत दी जाती थी, तुम कहते रहो 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। वो बेचारा कहता जाता था 10 मिनट 4-4 घंटे में बदल जाते थे। अब लोग कहते थे कि कैसी घड़ी है, तुम 4 घंटे में 10 मिनट नहीं बदल जाती। और अब 5-5 मिनट की पोजीशन ली जाती है, जमीन और आसमान में नहीं हवा में बात होती। जब हम लोग विमान में छिंदवाड़ा से यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में 3 बार टेलीफोन आया, क्या बात हो रही है, आप तो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, चल रही है कि नहीं चल रही है, कहाँ तक पहुंच गए, कितनी देर में लैंड कर रहे हैं। और जब हम वहां एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो अशोक का फोन आ रहा, सोचा कब तक पहुंच रहे, सुशीला जी के घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कार में बैठे तो फोन आ रहा। संचार क्रांति भी है देश में, संचार क्रांति। 50 सालों में हिंदुस्तान में 3,30,00,000 गैस कनेक्शन दिए गए, अकेले 4 वर्षों में हमने 3,14,00,000 देकर प्रतीक्षा सूची समाप्त की। आज एक भी गैस लेकिन इसलिए किसी तरह उनका मरीज भर्ती हो गया, मरीज भर्ती हो गया तो तीमारदार भर पर आसमान की छत के नीचे ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, महानगरीय संस्कृति में खो गया। मैं सीधे वहां से अटल जी के पास गई और मैंने कहा प्रधानमंत्री जी 1956 से लेकर आज तक एक एम्स नहीं बना, इतनी आबादी बढ़ी, इतनी बीमारी बढ़ी, तो बोले चाहती क्या हो। मैंने कहा मैं चाहती हूँ आपके कार्यकाल में 6 एम्स नए बनाऊ। तो उन्होंने जैसा उनका उनकी शैली है बोले 50 वर्षों में 1 एम्स और 1 वर्ष में 6 एम्स। तो मैंने कहा जी हाँ 1 वर्ष में 6 एम्स, ये को अटल बिहारी वाजपेयी का कमाल होगा। बोले जाओ जाकर योजना बनाओ, मैं लाल किले से घोषणा करता हूँ। और 4 दीवारी बननी शुरू हो गई है और आपका मध्य प्रदेश में 6 राज्यों में से एक है, भोपाल में 4 दीवारी का काम प्रारंभ हो चुका। कितने कहा
तुमसे जाती हूँ चौपाई सुनाना चाहती हूँ कि जाती रही भावना जैसी देखी। अगर दिन के उजाले को आप अंधेरा कहना चाहती हैं तो दिन का उजाला अंधेरे में तो नहीं बदल जाएगा, इतना ही कह सकेंगी कि आपका दृष्टि दोष है जो आपको नजर नहीं आता। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ नजर आता दिखता है पर सुहाता नहीं। और सुहाए कैसे? अपने मन में उन्होंने 5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री पद की लालसा पाई, वो पद दूर से दूर होता जा रहा तो सुहाए कैसे? आपको याद है जब 1998 में हमारी सरकार गिरी थी 1 वोट से, तो वो सीधी राष्ट्रपति भवन गई थी और जाकर कहा था कि मेरे पास 272 सांसदों का आंकड़ा है, मुझे प्रधानमंत्री तक की शक्ति दिला दीजिए। राष्ट्रपति ने कहा सूची लाकर दे दो, दिखा दो 272 है तो जरूर शपथ दिला दूंगा। 272 नहीं थे, शपथ नहीं मिली, सरकार गिर गई चुनाव हो गए और चुनाव में कांग्रेस की संख्या घटकर 112 पर आकर खड़ी। उनको लगा 5 साल की सरकार को बदनाम हो ही जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लोग नाराज होते हैं तो चलिए अब नहीं तो अगली बार दाम लगेगा। पर अब ऐसा प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर बना कि लगता है उनका आंकड़ा 100 से भी नीचे रह जाएगा। वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार जब बनती तो लोग मुझसे पूछना कि आपका दावा किस आधार पर है? योग्यता के आधार पर है, क्षमता के आधार पर है, संघर्ष के आधार पर है, सेवा के आधार पर है? आखिरकार दावेदार या राजनीति में इन्हीं चीजों पर होती है। फिर व्यक्ति योग्य होता है, क्षमतावान होता है, उसने देश के लिए कुछ संघर्ष कोई आंदोलन किया होता है या तो उसने देश की बहुत सेवा की होती है। अगर आप दावा इस बात पर करती कि आप इंदिरा गांधी की पुत्र हूं और राजीव गांधी की पत्नी, तो देश पूछना चाहता है आपसे कि ये कौन सा आधार है कि आप लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं? और जब हम कहते हैं कि वो यहाँ जन्मी नहीं, पढ़ी नहीं, पढ़ी बड़ी नहीं, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उन पर व्यक्तिगत प्रहार मत करिए। मित्रों में यह कहना चाहते हैं विदेशी मूल का मुद्दा व्यक्तिगत प्रहार का मुद्दा नहीं है, यह राजनीतिक मुद्दा है, शुद्ध राजनीतिक मुद्दा। जहां व्यक्तिगत संबंधों का ताल्लुक है, मैं मंच से खड़े होकर कहना चाहूं कि इंदिरा गांधी की पुत्रवधू के नाते, राजीव गांधी की पत्नी के नाते वो हमारे स्नेह की अधिकारी है। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है, उसकी अध्यक्षता के नाते वो हमारे सम्मान के लिए अधिकारी है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करती हैं, तो मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोर कर कहता है कि देखो ये 100 करोड़ भारत माता की संतानों को इंगित करके कह रही है तुम सब नालायक हो, मुझे राज सौंप कर देखो, तुम्हें राज करना नहीं आता, मैं राज चला कर सकती। और ये मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि भारत माता की 100 करोड़ संतान नाकामिल हो गई है और उसका कोई बेटा या बेटी हिंदुस्तान का ताज पहनने के लायक नहीं है। मैं पूछना चाहती सोनिया जी, आप हिंदुस्तान के इतिहास रानी थी, ये वो देश है जहां संत महात्मा ऋषि महर्षि पैदा होने के लिए तरसते हैं। आपको तो मौका मिला था इस देश से जुड़ने का, इस देश की विवाहिता पुत्र वधु को प्रदान किया, लेकिन आपने 16 बरस तक इस भारत भूमि को अपनाने से इनकार किया, नागरिकता हासिल नहीं की। आप नागरिकता बनी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो गए, वो नागरिकता मजबूरी में दी गई नागरिकता की मर्जी से ली गई नागरिकता, वो इच्छा और खुशी से दी गई नागरिकता नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर जन्म की बात छोड़ दूं कि क्या हिंदुस्तान में आने के बाद आपने हिंदुस्तान को समझने की कोशिश की? ये बहुत विशाल देश है, ये बहुत विराट देश है। इस देश में तरह तरह के खान पान, तरह तरह के परिधान, तरह तरह के तीज त्योहार, तरह तरह के रस्मों रिवाज, तरह तरह की कला संस्कृति, क्या उसमें से किसी एक चीज को समझा क्या आपने? अभी
रोड शो, आप नहीं जानते सोनिया जी, रोड शो व्यापार की भाषा है, यात्रा राजनीति और अध्यात्म की भाषा। आप नहीं जानते रोड शो में तमाशा होता है, यात्रा में संदेश होता है। रोड शो कंपनियां करती है, यात्रा सूफी संत फकीर करते हैं और या जमीन से जुड़े जननेता करते हैं। यह है बुनियादी सोच का फर्क, यह है आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति का अंतर। हिंदुस्तान में धर्म गुरुओं ने जब जब जनसंपर्क का रास्ता अपनाया, उन्होंने अपने अभियान को यात्रा का नाम दिया। आज गुरु शंकराचार्य की यात्रा थी, जैन मुनि यात्रा करते हैं, दंडी स्वामी यात्रा करते हैं, सिख गुरुओं ने यात्रा की। इस देश में जब जब जननेता बाहर निकले जनसंपर्क के लिए, उन्होंने हमेशा अपने अभियान को यात्रा कहा। महात्मा गांधी ने गांधी की यात्रा की, विनोबा ने भूदान यात्रा की, चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा की, डॉक्टर मुरलीधर जोशी ने एकता यात्रा की, लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा की और वो भारत उदय यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि भारत ने लोगों से संपर्क करने का पारंपरिक माध्यम को यात्रा कहा जाता है और रोड शो नीति का। हमारे देश की तहसील है, हम कुर्सी चौरा में सुबह जल चढ़ाते हैं, रात को दिया जलाते हैं, हम गंगा मैया की आरती उतारते हैं, हम गोबर से घर आंगन लीपते हैं। लेकिन तुलसी को पेसिल, गंगा को गेंजेस और गोबर को कावन कहते जल की चीज मानने वाले लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि तुलसी हमारे लिए पौधा नहीं, माँ। गंगा हमारे लिए नदी नहीं, माँ। गाय हमारे लिए जानवर नहीं, माँ है। और ये भारत भूमि हमारे लिए देश नहीं, माँ। हमारे और आपकी नागरिकता में यही अंतर है, मेरे और आपके लिए भारत मातृभूमि है, उनके लिए केवल एक देश। और ये जो शब्दों का छोटा छेड़ा बनाना है, तो राकेश सिंह जी को यहाँ से जुटाकर भेजना है।